मैंने सर्दियों वाले कपड़े अलग करके निकाल लिए हैं और ये होते ही इसी स्टाइल में है तो इस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं इतना रेडी की हुई भी हूँ, खैर कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन नहीं है, आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना, गेस्ट आ रहे हैं तो गेस्ट से पहले पहले अपने सारे काम निपटाए जाए रेडी होके, तो मैं रेडी हो गई हूँ। और आज जो है हम लोग, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हम लोग जो है वो विंटर के कपड़े निकालने लगे, तो आपको भी दिखाते हैं कि हमने अपने विंटर के कपड़े कहाँ रखे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे आज का व्लॉग। हाँ जी, ये है मेरा आउटफिट और ये बीच में माइक की तार भी आ गई है। तो अभी फाहद जो है वो बाहर गए हैं, जैसे ही वो आते हैं फिर हम अपनी सर्दियों के कपड़े निकालते हैं और हम अपनी कपड़े गर्मियों के कपड़े जो हैं वो अंदर तय करके रखते हैं। तो आपको भी लेके चलते हैं साथ अपने, चलें सर्दियों के कपड़े निकालते हैं। चलें, आप इतने तैयार हो के कहाँ जा रहे हैं आज? अच्छा चलो चलें सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, सर्दियाँ आ गई हैं है ना, मेरे लिए तो नहीं आई आपके लिए आ गई हैं। ऊपर पड़ा हुआ है? नहीं ये वाला नहीं है, हमारा वो पड़ा हुआ है दीवार के साथ जिसके अंदर था। हाँ। दूसरे में नहीं है, दूसरे है वो। ये हेलो शहीद, मुझे भी दो। नहीं मैं बहुत सारी खाती हूँ रोजाना। हाय थैंक यू, ये मेरा अच्छा दोस्त है। ये निकाल लिया? इसको ना पहले बाहर जाके साफ करो थोड़ा। बाहर जो है मैं जाके बैग साफ करूंगी क्योंकि डस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसको पहले बाहर डस्टिंग के कपड़े से जो है इसके डस्ट साफ करूंगी और फिर से अंदर लेके जाऊंगी और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहाँ से साफ करो, यहाँ से, ये इस जगह से। तो ये बैग जो है हम ले आए स्टोर रूम से, अब आई डोंट नो कि इसमें वो वाले कपड़े हैं या दूसरे बैग में, क्योंकि मुझे डाउट है कि वो दूसरे बैग में है। इसमें मेरा दूसरा वाला है शादियों वाला और वो दूसरा वाला जोड़ा जो है ना वो है शायद फैंसी कपड़े। तो चलिए इसको खोल के पहले चेक करते हैं, अगर इसमें ना हुए ना तो फिर हम दूसरा वाला बैग उतरवाएंगे फाहद से और फिर उस पर चेक करेंगे। अच्छा हाँ जी, इसमें मिल गए कपड़े। ये क्या चीज़ है? ये मेरा प्लाजो है। एक्सप्लेन भी करती जाए ना साथ साथ। ये मेरा प्लाजो है, इसके ऊपर की शर्ट बनवानी है, अभी मैंने लास्ट सर्दियों में नहीं पहना था मैंने ये। अच्छा और ये एक शर्ट आ गई, ओह वाओ मेरे ये भी कपड़े हैं, ये भी आ गई है। अच्छा जी ये भी आ गए, हाँ इतने इतू से तो कपड़े हैं मेरे सारे है थी। और एक ये नॉर्मल घर में पहनने की शर्ट है, इसके नीचे हाँ खद्दर है, इसके नीचे मैं कुछ पहनूंगी। ये तो कैन कैन है ना, ये श्रग टाइप है, श्रग कहने से ये लाइक आपकी शॉल भी बन सकती है, श्रग भी बन सकती है। ये है, इसको मैं बताती हूँ कैसे पहनते हैं। यू करके ना ये इसके बटन्स यहाँ पे ये लगे हुए, ठीक है? वाओ अच्छा है, स्टाइलिश है, लाइक ये। यूँ करके ना आप यूँ ले सकते हो या आप यूँ भी ले सकते हो और इसे आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है? ये देखो ये इस तरह ले सकते हो, लेकिन ये आप ये इस शलवार कमीज़ के ऊपर नहीं ले सकते, ये आप शर्ट और जीन्स वगैरह के ऊपर जो है ना उस पर ले सकते हो, कूल लगता है ये, तो मैं उसी के ऊपर लूँगी ये, ठीक है? तो ये जो है ये मुझे भाभी ने गिफ्ट किया था और ये वूल का बना हुआ है और भाभी लेकर आई थी सबके लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, गर्म है और सर्दी रोकता है। तो बस ये मैं लास्ट सर्दियों में नहीं पहना था, मैं इस सर्दी में ना ट्राई करूँगी अपना, फिर आपको पहन के दिखाऊँगी। अच्छा ये पिंक स्वेटर है जो कि मैं वैसे ही घर में नॉर्मली यूज़ के लिए पहनती हूँ। हाँ ये स्टॉलर है, ये हाँ ये भी, ये ब्लैक है स्टॉलर, सॉरी ये भी श्रग है। उसके बाद मेरे पास यार ये तो फैंसी ड्रेस है, मैं सोच रही थी ये भी निकाल ही लेते हैं ना, निकाल के पहन के तो ट्राई करूँ कि मुझे पूरा भी है या नहीं, मैंने तो अपने टाइप का सिलवाया ना। हाँ तो मैंने अपने उसका सिलवाया था, आप पता नहीं सही है या नहीं। अच्छा
उसके बाद जो है ये भी एक है, ये भी श्रगी है, ये देखें ये थोड़ा छोटू सा है, ये भी जीन्स शर्ट के ऊपर पहनते हैं, ये भी थोड़ा मतलब गर्मियों का स्टफ़ है लेकिन इसे सर्दी में भी पहन सकते हैं, बड़ा ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। उसके बाद आई थिंक इसमें नहीं है वो, अब ना जो बाकी की चीज़ें हैं ना वो दूसरे में है, इसमें नहीं है, ये तो शादी का है ना जो कि बहुत भारी है, उठाया भी नहीं जा रहा। हाँ अब एक ये भी पड़ा हुआ है मेरे पास। हाँ अब मैं इसे खोलती हूँ और मैं भी देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो कैसा है, ये आपके साइज का, ये मेरे साइज का है एक्चुअली, नहीं ये मेरे साइज का है एक्चुअली, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, रुको। ये देखो ये ऐसा है और ये होता है इसी स्टाइल में, तो इसके नीचे आप जीन्स पहन सकते हो, लेकिन ये मैं पहनूंगी अब, इसके अंदर शर्ट पहन के ना फिर मैं ये पहनूंगी, तो ये बड़ा गरम गरम है, तो अब मैंने मुझे ये पहनने का अब शौक चढ़ा है तो मैं पहनूंगी। पहले तो मैं पहनती थी लेकिन मैंने लास्ट ईयर नहीं पहने, तो अब ये मैं इसको सबको ट्राई करूंगी एक एक करके कि कैसा लगता है क्या होता है। तो ये बैग निकाला ही हुआ है तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसमें थोड़े से ना गर्मी के कपड़े रख लेती हूँ, तो थोड़े से इसमें गर्मी के कपड़े रख लेते हैं और बाकी ना धो के ना फिर रखेंगे हम, सही है। मैंने सर्दियों वाले कपड़े अलग करके निकाल लिए हैं और सॉरी गर्मियों वाले कपड़े, अब मैं इनको इसमें फिक्स करने लगी हूँ क्योंकि ये सारे धुले हैं और कुछ कपड़े जो हैं वो धुले हुए नहीं हैं, तो वो जो है वो मैं फिर धो के ना दूसरे बैग में डालूंगी। ये इसमें थोड़े से ही हम लोगों को कपड़े मिले सर्दियों के, तो बाकी दूसरे बैग से ना हम लोगों ने भी निकालना है, तो पहले इस वाले बैग को फिल कर देते हैं और फिर दूसरे बैग में से निकाल के ना जो बाकी के कपड़े बचे हुए होंगे ना वो हम उसमें फिल कर देंगे। बाकी ये तो सर्दियों के कपड़े हैं, तो बाकी जो हैं ये हम लोगों ने रखे हैं, ये मेरे सर्दियों के कपड़े निकल गए हैं, श्रग्स वगैरह काफ़ी, और ये सर्दियों के थोड़े से कपड़े हैं, और उसके बाद गर्मियों के थोड़े से मैंने कपड़े वहाँ पे रख दिए। अगर इस तरह से कपड़े रखे ना तो डस्ट वगैरह भी नहीं पड़ती और कपड़े गंदे भी नहीं होते, ख़राब भी नहीं होते, तो कपड़े हमेशा धो के रखें। अगर धो के नहीं रखेंगे तो जो है वो स्मेल आएगी कपड़ों से और ख़राब हो जाएंगे। हम लोगों ने पहला बैग लिया है क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था, तो दूसरा बैग अब हम लेकर आते हैं और देखते हैं कि दूसरे बैग में से क्या क्या निकलता है। इसमें से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली हैं जो कि मुझे भी नहीं याद था कि इसमें से ये चीज़ें स्ट्रग्स वगैरह भी निकल सकते हैं, तो ये मुझे याद नहीं था, बिल्कुल भूला हुआ था। तो ये जो मेरा फ्लैपर है इसके ऊपर मैंने शर्ट अभी बनवानी है। अब हम दूसरा बैग निकालने के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं कि दूसरे बैग में कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। हाँ तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें लाजमी, फ़ौरन से जाएँ और लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें चैनल को, और मेरे साथ रहिएगा अभी हमने दूसरा बैग भी निकालना है। हाँ तो ये आ गया है फाहद का बैग, इसमें फाहद के कपड़े हैं, अब वो अपने कपड़े निकाल रहे हैं और मुझे भी नहीं पता कि इसमें फाहद के कपड़े हैं। हुड, ये आपके हुड्स हैं। हाँ तो हमारे पास जो आ गया था वो गलती से दूसरा बैग आ गया था, तो इसमें जो है वो ये इसमें हमारी चीज़ें हैं और ये तीन चीज़ें फाहद की निकली थी। ये फाहद का स्वेटर है जो कि निकला है और बाकी ये मेरी चीज़ें, हाँ और ये भी आपका है ना। हाँ ये स्वेटर है लेकिन इसको मैं पहनती नहीं, उसको रखते हैं यहाँ पर भी। हाँ पहननी है? नहीं। हाँ ठीक है, जी ये भी, ये भी? जी हाँ जी, ये माल आ गया। नहीं ये आपकी नहीं है, ये इधर है, इधर ये आपकी इधर हो गया जी। ये स्वेटर भी निकाल दे, ये तो कपड़े हैं ना शादी वाले, नहीं ये निकाले। हाँ ये भी स्वेटर, ये वाली ये आपकी है, तो ये हमने बाकी के दूसरे उसे भी निकाल लिए, अब ये ऊपर रखेंगे हम, है ना। कुछ इसमें वापस तो नहीं रखना, कपड़े रखने हैं अब गर्मियों के। तो ये एक स्वेटर निकला है, इसका स्टफ बड़ा अच्छा है, फ्लफी सा है ये, और ये मैंने यूज़ किया था वैसे लास्ट ईयर, ठीक है। वह एक ये स्वेटर है, ये भी बड़ा अच्छा है, कूल सा। तो ये वाला इसका भी ये पता उल्लू मुझे नहीं पता, उल्लू वाला स्वेटर उल्लू ही पहनेगा। हाँ और एक ये है,
याद है ये हमने वो उधर एप्टाबाद वाले ट्रिप पे ही पहनी थी मैंने, है ना सारी चीज़ें। एक ये है, ये बहुत ही कूल सा है, थोड़ा विंटर सा टच आ रहा है ना इसमें, तो उसके मोटिव्स बने हुए। और एक ये है, ये भी टाइप ऑफ वैसा ही है। हाँ, उसके बाद ये फाहद के स्वेटर स्टार्ट है, ये मैंने नहीं देखा कभी आप। हाँ देखा, यस आई नो, ये भी अच्छे हैं। हमारे बाजार लग चुके हैं स्वेटर्स ही स्वेटर्स हमारे पास, अंदर पहनने को भी फिलहाल शर्ट्स ही निकाली है ना। उसके बाद ये है, ये भी अच्छा है, ये पहन के ना मैंने अक्सर लोग बाहर के लोगों को देखा है, ये पहनी हुई होती हैं और उन्होंने नीचे शॉर्ट पहना हुआ होता है और सॉक्स पहनी होती है और जॉगर्स पहने होते हैं ना, फुटबॉल खेल रहे होते हैं ना। उसके बाद ये पार्क के एक विंटर की ये शॉर्ट निकल आई है, और ये तो हुड तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती ना, इसको बड़ा रगड़ा थी इसको बड़ा रगड़ा दिया इन्होंने घर के अंदर पहन के, है ना। और ये वाला भी स्वेटर है ना, ये तो मैंने भी आई थिंक एक दफ़ा पहना था, पता नहीं कितने दफ़ा। तो ये हमारे दूसरे वाले उससे निकले हैं, ये हमारे अब निकल चुके हैं, अब जो है हम इनको सेट करके रखेंगे और जो बाकी गर्मियों के कपड़े वो हम इसमें डालते हैं। और आई होप कि आप लोगों ने भी अपने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए होंगे, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, पूरे पाकिस्तान में सर्दियाँ आ गई, आज जल्दी इस बार जल्दी सर्दियाँ आई हैं। तो घर के कपड़े निकालने में हम थोड़े लेट हो गए, सर्दियों के जो कपड़े हमने निकालने थे, लेकिन हम लोगों ने ब्लैंकेट सबसे पहले निकाल लिया था, तो हम लोग थोड़ा बिजी वगैरह थे, पहले ही निकाल लिया था। और फिर ये हम लोगों की बारी आ गई इसकी। हाँ तो बस ये निकाल लें हम लोगों ने, तो आप लोगों ने भी अपने पेटियों शेटियों से बिस्तर बिस्तर निकाल लिए होंगे, हमें तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं, हमें तो एक कम्बल निकालना था जो हमने निकाल लिया है, उसके बाद अगर हमें और भी निकालने हो तो हम और भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे कम्बल, सॉरी कम्बल कह रही, कपड़े फाइनली निकल चुके हैं सारे के सारे। और अक्सर जो होता है इन कपड़ों को धूप में भी आई थिंक रखा जाता है थोड़े बहुत ना, तो बस आज हमारा ये काम भी निमट चुका है। हम कब से ट्राई कर रहे थे कि यार हमारा ये काम हो जाए हो जाए, तो फाइनली ये काम भी हम लोगों ने कर लिया है। तो अब गर्मियों के बाकी कपड़े धो के जी आप रखेंगे वो बैग वापस, तो गर्मियों के कपड़े बाकी धो के हम लोगों ने वापस रखना है ना। फिर बस फिर हमारी सर्दियाँ 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, फिर हम गर्मियों के कपड़े। तो बात तो हम लोगों ने जब फर्स्ट बैग निकाला था ना, तो हम लोगों ने इसमें से कपड़े जब निकाले थे तो मेहमान हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके थे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9 बजने वाले रात, ये रात है, रात को हम व्लॉग बना रहे हैं अपने बाकी का पार्ट जो है वो रात को बना रहे हैं, ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना होना बनाने में, हम अक्सर भूल भी जाते हैं। तो सेकेंड बैग हम लोगों ने अभी निकाला है, और अभी निकाल के हम लोगों ने कपड़े निकाल लिए अपने, फ़ाइनल कर लिए हम लोगों ने, कल तक इसको लटकाना नहीं चाहते थे, तो ये भी हमारा फाइनल हो गया। अब जो है मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आप लोगों ने भी अपने सर्दी के कपड़े निकाल लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।